अभी हमने बच्चों मार्शल ला के बारे में पढ़ा कि मार्शल ला कानून क्या था। इस कानून में बच्चों जो मिलिट्री पद का सबसे बड़ा अफसर होता है उसके हाथ में सरकार दे दी जाती है, यानी उसे सरकार का मुखिया बना दिया जाता है। उस समय जनरल पद पर थे जनरल डायर, यानी पूरे देश की कमान उनके हाथों में आ गई थी। इतना ही नहीं बच्चों, आगे और भी घटना घटी, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, जो कि बच्चों पंजाब में स्थित है, वहाँ पर बैसाखी का मेला लगा। वहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, क्योंकि जो बच्चों ये बैसाखी का मेला है वो पंजाब का मुख्य त्यौहार है। लोग इस त्यौहार को मनाने के उद्देश्य से भी वहाँ इकट्ठे हुए थे। ये जो जलियांवाला बाग है ये चारों तरफ से दीवारी से बंद था। बंद का मतलब ये नहीं कि इसके दरवाजे नहीं थे, बस ये दीवारों से बंद था। जो मेन बाग के अंदर लोग थे उन लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है। इसी समय डायर के सिपाहियों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और सबसे बड़ी घटना यही होती है कि सबसे बड़ी बात यही होती है सॉरी कि जब कोई घटना होती है तो उस घटना में सबसे ज़्यादा वृद्ध लोग और बच्चे और महिलाएं ही उस घटना का शिकार हो जाते हैं। और अनगिनत लोग तो बच्चे जलियांवाला बाग में हुआ है उसमें गिर गए थे। इसके पीछे सरकार का, ऐसा करने के पीछे सरकार का क्या मकसद रहा होगा? सरकार ये चाहती थी कि भारत पर जो उनका डर है वो कायम रहे, ताकि वे भविष्य में विरोध ना कर पाए। पर ऐसा नहीं था। लोगों ने रैलियां निकाली, हड़तालें की, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का एक रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए और सड़क पर घिसटने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए। गांधी जी ऐसा तो नहीं चाहते थे। हिंसा फैलते हुए देख गांधी जी ने अपना यह आंदोलन वापस ले लिया था। जो कौन सा आंदोलन चलाया था उन्होंने? नागरिक अवज्ञा सत्याग्रह। इसको गांधी जी को बंद करना पड़ा। बहुत ही व्यापक स्तर पर जो चलाया गया था ये रोलट सत्याग्रह, बहुत बड़ा आंदोलन था। फिर भी यह केवल कुछ शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी जी पूरे भारत में ज़्यादा जन आधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना ये था कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना इस आंदोलन को नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपेंगे। और गांधी जी मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ मिले और इस मुद्दे पर संयुक्त कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे।